हाय दोस्तों, आइए। आज मौसम बहुत सुहाना है, जो आप देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। इसलिए आज हम आपको ब्लॉग इन करके इसका दिखा रहा हूँ नज़ारा, क्योंकि आज समय जो है मेघला है। आज बारिश का मौसम है, जो लग रहा है बारिश होने वाला है। मेघला मेघला आसमान है, इसलिए मैं आज आपको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ। और हम जो आज आए हुए हैं, एक शायर है जो मनोहर जी जी नाम है, उनसे हम मिलने के लिए, तो उनका संग भी आपको हम दिखाएंगे। तो आप बने रहिए मेरे इस वीडियो पे और मौसम का मज़ा लीजिए। आज मेघला आसमान है, बहुत ही मज़ा आएगा। चलिए मैं मनोहर जी से मिला। अभी मजा आएगा ना भिड़ो मत गुजरो, इस बस्ती से तुझे पहचानता कोई नहीं। पैसों का कदर करता इंसानों का करता कोई नहीं। हर मनुष्य को समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलता, हर मनुष्य को समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलता, हर डाल को फूलों का प्यार नहीं मिलता। यही देखा गया है दुनिया में, हर भाई को बहन का प्यार नहीं मिलता। तो कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम जो मिलाने वाले हैं जिन व्यक्ति से, इनका नाम मनोहर जी है। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग पे, मुकेश मंडल यूट्यूब चैनल पे। चलिए मिलाते हैं, आज इनसे कुछ बात करते हैं। कैसे हैं मनोहर जी? चलिए कुछ हमें बोलिए। हमें बहुत खुशी की बात हुई आपसे मिलकर के। हमें मनोहर जी एक शायरी और आप सुना दीजिए दर्शकों को, जो आपको सुनना चाहता है। चलिए एक शायरी और। धन्यवाद मेरा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। मोहब्बत करने वाले से प्यार नहीं होता। वाह 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 वाह। मोहब्बत करने वाले से प्यार नहीं होता, रुपया पर बिकने वाले मर्द को कभी लाज नहीं होता। वाह 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 वाह। एक और सही है। ए मिस्टर योर सिस्टर मुझे डिस्टर्ब करती है। ए मिस्टर योर सिस्टर मुझे डिस्टर्ब करती है, कभी वेलकम कब आई। मनोहर जी, आप जो शायरी बोलते हैं, ये कितना दिन से बोलते हैं और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ आपका घर है? मेरा नाम मनोहर पासवान है और ग्राम पोस्ट अडवाणी थाना प्रवक्ता जिला खगड़िया बिहार का रहने वाला हूँ। और मैं शायरी तो बचपन से ही मैंने लिखना चालू किया था। पहले मैंने उपदेश लिखा था, करीब 300 उपदेश मैंने लिखा, और कुछ दिन शायरी भी लिख रहा हूँ। और ऐसे तो लोग जो भी कुछ कहता है, कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा बचपन से शुरुआत हुई है। और मैं यही कहना चाहूँगा, और आगे हम जो भी कुछ कहेंगे आपके सामने, मैं समक्ष में कुछ ना कुछ कहते रहूँगा। आइए दोस्तों, आप जो मनोहर जी का शायरी सुने, ये कैसा लगा, और हमें आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे मुकेश मंडल यूट्यूब ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हमें बहुत सारा प्यार दीजिए, ताकि हम अगला वीडियो आपके लिए बनाऊं और बेहतर से बेहतर बनाने का कोशिश कर रहा हूं। चलिए, तो धन्यवाद।